नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तिस्ता सेटल वार्ड की। तिस्ता सेटल वार्ड जो कि 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे, उस दंगों में दंगा पीड़ितों के तरफ से केस लड़ते हुए उनको न्याय दिलाने के लिए उन्होंने लगातार काम किया था। बहुत सारे केसेस उन्होंने हैंडल किए थे। और चाकिया जाफरी जो कि एहसान जाफरी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वहाँ पर उनके घर पर भी हमला हुआ था और उनको भी मार दिया गया था, तो उनका भी केस उन्होंने लिया था। उनको भी न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में उन्होंने न्याय के लिए गुहार लगाई थी। और उन और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि ये पूरे दंगों में सरकार भी शामिल है। उस वक़्त वहाँ के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे। तो उनकी सरकार में कहा जा रहा है कि दंगाइयों को खुला छूट दे दिया गया था, उसकी वजह से ये दंगे हुए। तो इस पे अलग अलग थ्योरी है। तिस्ता सेटल वार्ड सुप्रीम कोर्ट में गई थी, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया था, तो स्पेशल टास्क फोर्स बनाया था। स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसमें रिपोर्ट में उन्होंने केस को क्लोज करने के लिए बोला था, तो लेकिन तिस्ता ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी और सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग चल रहा था। और पिछले ही जून में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो तिस्ता सेटल वार्ड और दूसरे लोगों ने ये जो केस दायर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रॉडर कॉन्स्परेसी है और उन्होंने कहा है कि ये दंगे जानबूझ के कराए थे, ये सब जो चीज़ें आई हैं, तो उसमें स्टेट इन्वॉल्व था, नरेंद्र मोदी की सरकार उसमें शामिल थी दंगों को भड़काने के लिए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और पिटिशनर यानी कि तिस्ता सेटल वार्ड और सभी ने गलत उद्देश्य से ये केस फाइल किया था और ये उन्होंने आगे बढ़ाया था और ये 16 साल से का मैटर को आगे बढ़ाया जा रहा था और सरकार के खिलाफ उन्होंने एलिगेशन लगाया था। वो एलिगेशन में दम नहीं है और जिन्होंने ये एलिगेशन लगाए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो 24 तारीख को ये ऑर्डर हुआ और 25 तारीख को तुरंत तिस्ता सेटल वार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर वो 2 महीना तक जेल में रही। पहले लोअर कोर्ट ने उनका बेल रिजेक्ट किया, फिर हाई कोर्ट में जब उन्होंने याचिका दायर की तो हाई कोर्ट में उनका मैटर बोर्ड पे आने के लिए 6 हफ्ते का टाइम दे दिया गया। तो बेल की सुनवाई तो जल्द से जल्द होनी चाहिए, तो 6 हफ्ते का टाइम क्यों दिया गया, इसके पर वो सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट की उस वक्त चीफ जस्टिस की यूयू ललित की बेंच ने उन्हें तुरंत इंटरिम बेल पर रिहा करने का ऑर्डर दिया। और उन्होंने कहा कि पहले ही उसका 7 दिन का इंट्रोगेशन हो चुका है। उन्होंने कहा कि वो महिलाएं हैं, 16 साल पुराना केस है, कोई मर्डर का या बॉडीली इंजरी का केस नहीं है, तो इसलिए उनको बेल देने में देना चाहिए इंटरिम बेल, और जब तक हाईकोर्ट उस पर निर्णय नहीं लेता है उनको बेल दिया जा सकता है और हाईकोर्ट अपना इंडिपेंडेंटली उनको उस बेल एप्लीकेशन को कंसिडर करे। तो अभी करीब 9 महीने बाद हाईकोर्ट ने उस पर ऑर्डर पास किया और कहा कि आज ही ऑर्डर पास किया और उनकी बेल की जमानत की अर्जी जो रिजेक्ट करती और उनको तुरंत कहा है कि उनको सरेंडर होने के लिए। तो ये पूरा अपने आप में एक अलग मामला है, जिसमें जो विक्टिम थे, जो दंगा पीड़ित थे, वो कोर्ट के पास गए और उन्होंने कहा कि जो दंगा कराया गया वो एक कॉन्स्परेसी का हिस्सा था, इसलिए इस पूरे दंगों की जांच होनी चाहिए और सरकार इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है वो देखना चाहिए, और वो देखा नहीं गया है। ऐसा करके एक पीड़ित और पीड़ित को मदद करने वाले वो कोर्ट में गए थे, तो कोर्ट में वो फरियाद लेकर गए थे, लेकिन जो फरियाद कर रहे थे उन्हीं को आरोपी बना दिया गया और तुरंत उस पर कार्रवाई करके ये काम किया गया। तो आप जानते हैं कि किन लोगों के खिलाफ है। आज जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ ये मामला था, उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे में
ये अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देता तो वो सीधा नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाता। इसलिए आप कह सकते हैं कि इस तरह से कोर्ट कहता है कि वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जिस तरह से ऑर्डर हुआ, अगर उनको ये केस रिजेक्ट करना था तो वो रिजेक्ट कर देते, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक गया कि जिन्होंने ये केस दायर किया था उनको, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो गुजरात सरकार इसी के इंतज़ार में बैठी थी और तुरंत उन्होंने दूसरे दिन, उसी दिन उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल में डाल दिया। तो अभी तक 2 महीना तो तिस्ता जेल में रही है, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता, और सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर की वजह से वो बाहर आई, लेकिन इतने दिन के बाद बेल नॉर्मली जल्दी से जल्दी उसकी सुनवाई होती है और ऑर्डर हो जाना चाहिए, लेकिन इतना लंबा खींचा गया, आज ऑर्डर दिया गया, कल संडे छुट्टी है, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पहला दिन है। तो ऐसे में अभी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि तुरंत सरेंडर कर दे, तो अगर वो सरेंडर करती हैं तो उनको फिर सुप्रीम कोर्ट से रेगुलर बेल लेना पड़ेगा, या फिर वो सरेंडर होने के पहले इंटरिम बेल का, उन्होंने आज भी हाई कोर्ट को कहा था कि आप इंटरिम बेल दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, 30 दिन का समय दे दीजिए, लेकिन कोर्ट ने वो माना नहीं और उनको तुरंत, एक तो अभी ये FIR दर्ज होकर एक साल हो गया है, तभी तक तो 2 महीना, जब ही सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल दिया था तब तक तो चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी, इतना ये मैटर में इतना चार्जशीट फाइल होने के लिए क्यों समय लग रहा है, ये सारे सवाल हैं। और अभी तिस्ता को पुलिस की कस्टडी क्यों चाहिए, तिस्ता को जेल में रखना क्यों चाहिए, तिस्ता कहीं भागने वाली नहीं थी, इतने दिन अगर वो भागी नहीं तो आगे भी भागने वाली नहीं है, और उसका पासपोर्ट भी सरेंडर किया हुआ है। तो आज किसी भी व्यक्ति को, जो हमारा कानून बोलता है कि जब तक गुनाह सिद्ध नहीं हो जाता है उसको पहले से पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है, तो अभी उनको कस्टडी में रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अभी जो कस्टडी में रखा गया है उसका यही अर्थ निकलता है कि ये कोर्ट, सरकार चाहती है कि वो अंदर रहें, सरकार चाहती है कि ये केस बने, तो इसलिए वो अंदर हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो तिस्ता बाहर रहेगी तो वो सरकार के खिलाफ केस करती रहेगी, सरकार के खिलाफ लड़ती रहेगी, और वो मानव अधिकार के कार्यकर्ताओं के लिए लड़ती रहेगी, ऐसे दंगा पीड़ितों के लिए लड़ती। अभी भी तिस्ता सेटलवार जो है वो आसाम में NRC के लोगों के लिए लड़ रही है, और भी चीज़ों के लिए वो लड़ रही है। तो इसलिए हमेशा ये बना रहता है कि सरकार उनको इन्वॉल्व करें, तो उसी में का एक ये केस है, और ये एक पूरा भीमा कोरेगांव के नाम पर बहुत सारे कार्यकर्ताओं को अंदर रखा गया है। तो जो भी कार्यकर्ता जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे जेल में ठूसने की जो नीति सरकार ने एक तरह से बना ली है उसी का हिस्सा है कि तिस्ता को इस तरह से गिरफ्तार किया गया। तो आपकी क्या राय है, आपको लगता है कि ये सही केस है, आपको लगता है कि कोई फरियाद लेकर जाए तो उसे ही अगर अंदर कर दिया जाए तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा, हाई कोर्ट के पास नहीं जाएगा और न्याय नहीं मिलेगा, तो ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और देखते रहिए जनता का आईना।